चुनावों के बीच असम के करीमगंज जिले में एक कार से ईवीएम बरामद किए जाने का मामला सामने आया है। माहौल तनावपूर्ण इसके बाद हो गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार का वीडियो ट्वीट किया है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि जिस लावारिस बुलेरो गाड़ी से ईवीएम मिले वो पाथरकांडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। बुलेरो कार के साथ ना तो चुनाव आयोग का कोई अधिकारी था और ना ही कार के भीतर कोई सुरक्षा थी। चुनाव आयोग ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए करीमगंज के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम से फौरन विस्तार पूर्वक रिपोर्ट अब इस मामले पर मांगी है। लेकिन अब यह मामला राजनीति केंद्र में आता हुआ क्योंकि ये गाड़ी बीजेपी नेता के नाम पर और इस गाड़ी से ईवीएम का बरामद होना, यकीनन इस पर अब कई सवाल। प्रियंका गांधी ने खुद इस गाड़ी का वीडियो ट्वीट किया। चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट मांगी है। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय, अपने आप में ये एक ऐसा मामला जिस पर राजनीति अब जबरदस्त तरीके से गरमाएगी, लेकिन नियम कानून इस पर क्या कहते हैं? चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, अब आगे क्या? चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने इस पर रिपोर्ट भी तलब की है, लेकिन अगर हम पिछली बातें करें, इसको इससे ना जोड़ा जाए पार्टी पॉलिटिक्स से, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ था कि एक लावारिस वाहन में एक घर के आगे एक ईवीएम मिली थी और उस ईवीएम मशीन के मिलने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि जब निर्वाचन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ये एक मॉक ट्रेनिंग के लिए वो ईवीएम वहां पर लाई गई थी और उस ईवीएम का को जमा कराना था जिस पर चुनाव अधिकारी थोड़ी लापरवाही बरत गए थे। लेकिन अब इसमें जो रिपोर्ट मांगी गई है वो ये कि क्या ये मतदान में इस्तेमाल होने के लिए ईवीएम है या किस परिस्थितियों में ईवीएम मिली, इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य के निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट देंगे और मुझे लग रहा है कि आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और चुनाव आयोग इस पर आज शाम की बैठक में कोई एक्शन लेगा और इसमें रिपोर्ट पर चर्चा करेगा। जी, हमारे साथ गुवाहाटी से इस वक्त तनुश्री पांडे भी जुड़ गई हैं। तनुश्री, एक ऐसा मामला जिसका जिक्र हम बार बार करें, देखिए प्रियंका गांधी वीडियो ट्वीट कर रही है लेकिन संजय जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, अभी इसका मकसद क्लियर होना बाकी है कि ये किस मकसद के लिए मशीन यूज की गई थी। शाम तक रिपोर्ट आएगी, लेकिन क्या हलचल आप इस वक्त वहां राजधानी में महसूस कर रही हैं इस पूरे मामले के बाद? मीनाक्षी, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अब राजनीति जो है असम में गर्मा चुकी है इस मुद्दे के ऊपर। आज दोनों ही बीजेपी के बड़े नेता जेपी नड्डा और कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी असम में मौजूद है थर्ड फेज की कैंपेनिंग के लिए। दोनों ही गुवाहाटी में है और मुझे जो बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी आज खुद से जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स असम में मौजूद हैं उनके साथ ये मुद्दा उठाने वाली हैं कि क्या लोगों का चुनाव पे से भरोसा उठ जाना चाहिए अगर इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये कल रात करीब 9:30 बजे की बात है जब कनीसेल एरिया में, जो कि करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जहां कल पोलिंग थी, वहां पे एक खड़ी गाड़ी पाई गई, बोलेरो पाई गई, जिसको बताया जा रहा है कि पाथरकांडी बीजेपी पाथरकांडी एरिया के जो विधानसभा एरिया के जो उम्मीदवार है कृष्णेंदु पॉल, उनकी ये गाड़ी है, वहां ईवीएम्स पाए गए। अब हमको सिर्फ इस बात का कंफ्यूजन है जो ईसी क्लियर करेगा कि क्या वो ईवीएम डमी ईवीएम थे जो पोलिंग में नहीं इस्तेमाल हुए थे या क्या वो ईवीएम थे जो मतदान के लिए इस्तेमाल हुए थे। पर मीनाक्षी, जो सबसे बड़ा सवाल अभी इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है वो ये है कि बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी ईसी ऑफिशियल के ईवीएम मशीन, भले ही वो डमी मशीन हो, भले ही वो असली मशीन हो, वो एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर क्यों पाए गए? सिक्योरिटी कहां मौजूद थी? इलेक्शन ऑफिशियल्स क्यों नहीं थे? और गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर था, जो हमको बताया जा रहा है जब लोकल्स ने गाड़ी को घेरा तो वो ड्राइवर डर के मारे निकल के भाग गया। अब हमको जो एफिडेविट मिली है उस एफिडेविट में भी क्लियरली दिखा रहे हैं कि कृष्णेंदु पॉल की ही वो बुलेरो गाड़ी है, गाड़ी नंबर जो है वो भी कृष्णेंदु पॉल का ही है। पर अभी सबसे बड़ा आंसर जो इसी को करना पड़ेगा वो ये है कि क्या वो ईवीएम्स डमी ईवीएम्स थे, और अगर डमी ईवीएम्स थे भी तो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर बिना किसी सिक्योरिटी कैसे पाए गए? जो मेरे पीछे अभी हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, यहाँ असम के जो अभी चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, कुछ ही देर में आएंगे, वो यहाँ से उड़ेंगे अपनी कैंपेनिंग के लिए। हम कोशिश करेंगे उनसे भी ये सवाल लेने का।